नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। तो आज मैं दिखाने वाला हूँ विटारा ब्रिज़ा का फेसलिफ्ट 2020। इसमें BS6 इंजन लगा हुआ है। तो ये डुअल प्रोजेक्टर चैम्बर का हेडलैम्प आपको मिलने वाला है और बीच में ग्रिल कुछ इस टाइप से मिलने वाली है। और ये इसमें इंडिकेटर भी मर्ज है DRL के साथ में। और ये फॉग लैम्प आपको कुछ ऐसे से मिलते हैं और साइड में ये रेडिएटर ग्रिल है जो काफ़ी ही बड़ी है और नीचे आपको स्केट प्लेट भी लगी हुई मिलती है। तो कुछ ऐसी सी लगती है गाड़ी आगे की साइड से। और अगर मैं साइड में आने की बात करूँ तो साइड में आपको कुछ ऐसा सा लुक पूरा मिल जाता है जो एक प्रॉपर SUV का तो है ही, लेकिन ये सबसे अच्छी दिखने वाली तो मैं नहीं बोल सकता इसके सेगमेंट में। अगर आप साइड में बात करो, सबसे बड़ा चेंज आपको अलॉय व्हील में देखने को मिलेगा। ये 16 इंचेस का नया टायर आपको दे दिया है, मतलब व्हील की डिज़ाइन को चेंज कर दिया गया है। और प्रोफाइल वैसी ही आती है जो पहले आती थी, यानी कि 215/60 R16 की। आप साइड में और पीछे जाते हैं अपन और पीछे देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो रखे हैं। तो पीछे आपको ये जो टेल लैंप है, इसमें आपको चेंजेस सबसे पहले देखने को मिलने वाला है, क्योंकि टेल लैंप की LED जो ट्रीटमेंट है वो बदल दिया गया है। पहले आपको इसमें हैलोजन बल्ब मिलते थे, लेकिन अब इसमें LED मिलने वाली है। और बीच में क्रोम ग्रिल वगैरह सब एक जैसी दिखती है, खाली बम्पर में थोड़े बहुत ट्विक किए गए हैं। और अब हम साइड में आते हैं, मतलब कि ड्राइवर साइड की तरफ और चलते हैं। तो सबसे पहले आपको डोर हैंडल ऐसा सा मिलने वाला है जिसे आप खोल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है जो पहले भी मिला करता था। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब गाड़ी के अंदर बैठते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या बदला गया है इंटीरियर में। तो इंटीरियर में सबसे पहले आपको बैठने से ऐसा कुछ फील होने वाला है और आपको ऐसा सा डोर आपको मिलने वाला है जो ड्राइवर साइड का है। और ड्राइवर साइड के डोर पर आप नज़र डालते आपको दिखेगा कि आपको पावर विंडो के स्विचेस मिलते हैं जहाँ पर लॉक अनलॉक करने का फीचर है, और ये ऐसा सा कुछ आपको मिलता है। और चारों पावर विंडो है जिसमें ड्राइवर साइड वाला ऑटो में है। आपको कुछ ऐसा सा स्टीयरिंग व्हील मिलने वाला है जिसपे यहाँ पर आपको सारे म्यूजिक के कंट्रोल मिल जाएंगे, और इस तरफ आपको क्रूज कंट्रोल के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे देखें तो ये हैंडल आपको लाइट्स कंट्रोल करने के लिए, और ये आपको वाइपर्स कंट्रोल करने के लिए, जिसमें आपको रेन सेंसिंग वाइपर भी मिल जाता है जैसे यहाँ आप ऑटो पे देख रखते हो। आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स भी मिल जाने वाले हैं इस गाड़ी में। हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो आपको RPM मीटर और स्पीडोमीटर दोनों एनालॉग मिलते हैं, और बीच में 4.2 इंचेस की डिजिटल स्ट्रिंग मिलती है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो बलिनो और सियाज वगैरह में भी आती है, और इसको थोड़ा वो अपडेट भी किया गया है। इसमें सारी डिटेल आपको कार की मिल जाती है कि कितना चलना बाकी है और कितना चल चुकी है। तो अब आते हैं हम सेंटर कंसोल में। सेंटर कंसोल में आपको एक 7 इंचेस का टच स्क्रीन मिलता है जिसमें अभी मारुति ने अपने नए सिस्टम को अपग्रेड कर दिया, और ऊपर कुछ ऐसे एसीवेंट मिलते हैं, और आपको ये ऑटो डिमिंग IRVM भी मिलता है जो अभी न्यू ऐड किया गया है। और नीचे आपको ऑटोमेटिक AC मिलता है, और ऑटोमेटिक AC में आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं ऑटोमेटिक AC के। ये सिंगल जोन ऑटोमेटिक AC है। अब हम ये अंधेरा है तो लाइट जला लेता हूँ, और लाइट जलाने के बाद आपको कुछ और दिखाता हूँ, यानी कि यहाँ पे कोई आया। तो सबसे पहले आपको एक USB ऑक्स का पोर्ट मिलने वाला है जो आप सीधा Apple CarPlay और गाने वाने को यूज़ कर सकते हो। इसमें ब्लूटूथ भी है, और ये आपको चार्जिंग सॉकेट मिलता है 12 वोल्ट का। ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है जो 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ में आता है, जो अभी मारुति ने नया ऑफर किया है BS6 में। ये सेम इंजन है जो अर्टिगा और सियाज में भी आता है। इसके पावर जितना भी टॉर्क वगैरह का फिगर है जो मैं आपको आगे स्क्रीन पर दिखा दूंगा, ये आपको हैंड ब्रेक मिल जाएगा कुछ ऐसा, और साइड में आपको कप होल्डर और सामान रखने की जगह मिल जाती है। और ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट भी मिलता है जिसमें कुछ स्टोरेज भी आपको दे रखी है जो आप अभी देख पा रहे हो, यहाँ पे बटन खोलने से आपको दिखेगी। और ये ऐसी सी आपको स्टोरेज मिलती है, ये कूल ग्लव बॉक्स नहीं है यहाँ वाला। अब हम आपको स्पेस आपके भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। तो ये पैसेंजर सीट पर रोहित बैठा हुआ है, और आपको ये उसके सामने एक ग्लव बॉक्स दिखता है जो कूल्ड है, और नीचे भी एक छोटा ग्लव बॉक्स मिलता है जिसमें आप थोड़ी बहुत चीज़ें रख सकते हो। और ये आपको सेंटर में ये एक सनग्लास होल्डर मिलता है, और साथ में दो लाइटें भी मिलती है जो हैलोजन है। मेरे पास चाबी नहीं थी इसलिए मैं इनको चालू नहीं कर पाया, फिर गाड़ी की बैटरी डाउन थी। अगर ड्राइवर साइड की बात करें तो आपको यहाँ पर एक पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है, और साथ में शीशों को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि ORVM कंट्रोल करने के बटन भी आपको मिल जाते हैं, और हेडलाइट लेवल भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये नॉर्मल किसी भी गाड़ी की तरह, यानी कि मारुति की गाड़ी की तरह, इधर डोर पर नहीं दिए हुए हैं। और आपको ये छोटी सी फाइल रखने की जगह और साथ में एक बोतल होल्डर मिल जाता है, ये चारों डोर में आपको मिलता है। और ये आपको क्लच वगैरह मिल जाते हैं जो नॉर्मल किसी भी गाड़ी में होते हैं। और आगे आपको कुछ ऐसी सी स्पेस भी मिल जाती है जिससे आप जस्टिफाई कर पा रहे होंगे। इसमें आपको एयरबैग मिलता है स्टीयरिंग व्हील में, और साइड में भी एक एयरबैग मिलता है। अब हम बाहर जाते हैं और पीछे की सीट पर जाकर देखते हैं कि वहाँ पर क्या आपको मिलता है।
पीछे जाने के बाद आपको कुछ ऐसे ऐसी स्पेस मिलती है, यानी कि एक अच्छी खासी स्पेस भी मिल जाती है यहाँ पे आपको। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डोर हैंडल मिलेगा जिसमें लॉक का भी फीचर है, और ये आपको पावर विंडो का स्विच मिलने वाला है। और आपको यहाँ पर एक पॉकेट मिलती है आगे की सीट में। मेरा ऐसा सा नी रूम और लेग रूम आप देख रहे हो मेरे वीडियो में थोड़ा जस्टिफाई हो रहा है। सॉरी क्वालिटी थोड़ी लो है लेकिन ठीक ठाक सी आ रही है। ये ग्रैब हैंडल दिखता है आपको, और साइड पैसेंजर के लिए जगह कुछ ऐसी, यानी कि मैं 5.8 इंच का हूँ और मेरी जैसे यहाँ पर तीन बंदे तो आराम से बैठ ही सकते हैं। बीच में थोड़ा हम्प है लेकिन अच्छे खासे लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो भी यहाँ पर आराम से बैठ सकता है, या उसके लिए दो जनों के लिए यहाँ पर आर्म रेस्ट मिलते हैं जिसमें कप होल्डर दे रखा है। सीट कवर यहाँ पर कंपनी आपको लगा कर देती है फैब्रिक अपहोल्स्ट्री के ऊपर में, और इनकी क्वालिटी ठीक ठाक है, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। ये हेडरूम आपको ऐसा मिलता है, और मेरे बोलने का तरीका थोड़ा आपको अलग दिख रहा होगा क्योंकि मैं इस पर वॉइस ओवर कर रहा हूँ, तो कुछ ऐसा सा मिलता है। बीच में एसी वेंट आपको नहीं दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट भी नहीं दे रखा है कंपनी वालों ने, कहीं होगा तो मैंने ढूंढा नहीं। तो ये गाड़ी मुझे ज़्यादा समय के लिए दिखाने को नहीं मिली, तो मैं कुछ ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाया। दरअसल पर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब के बिना मत जाना। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।